केदारनाथ की घाटी में मिला हमको एक प्यारा सा गंडक जिसे बोलते हैं डॉगी। गंडक करो कैलाशा। गाइज आज हम बात करेंगे केदारनाथ के मंदिर के बारे में जो कि जयपुर के अंदर बसा हुआ। गाइज मैं आपको बता दूं कि इन कटीले रास्तों में और ये मंदिर का व्यू ऊपर से आप देख सकते हैं। और मैं बता दूं आपको कि इस मंदिर का निर्माण हजारों वर्ष पूर्व यानी कि हजारों वर्ष पूर्व मीणा शासक यानी कि जो चांदा मीणा हुआ करते थे वो उनके टाइम का ये मंदिर का निर्माण हुआ हुआ है। और यहाँ पर चांदाओं की माता भी है यानी कि कुल देवी है जो इसी मंदिर के पास में है जो उनका मंदिर बना हुआ है। और गाइज ये केदारनाथ यानी कि जयपुर का सबसे छोटा केदारनाथ जो जयपुर की पहाड़ी पर बसा हुआ है बहुत ही अत्यंत ही प्यारा है। और कहा जाता है कि ये बहुत ही चमत्कारी मंदिर है और लॉकडाउन के अंदर इस मंदिर में ताला नहीं लगा। गाइज इनका चमत्कार देख सकते हैं आप कि लॉकडाउन के अंदर सभी मंदिरों में ताला लगा लेकिन इस मंदिर में कभी ताला नहीं लगा। तो गाइज ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। ऊपर की ओर चढ़ते वक्त हम बता दें आपको कि रास्ते बहुत कठिन हैं और यहाँ पर थकान महसूस हो चुकी है केदारनाथ की इस पहाड़ी पर यानी कि जो भव्य केदारनाथ है जो उत्तराखंड के अंदर स्थित है उसी प्रकार मैं आपको बता दूं कि पहाड़ी पर स्थित छोटा केदारनाथ यानी कि बहुत सारी भीड़ है। लोग कहीं यहाँ पर देशभक्ति यानी कि भक्ति के लिए आ रहे हैं, कई लोग यहाँ पर पूजा पाठ न करने के सिद्ध न करने के लिए आ रहे हैं। तो गाइस इतना पहले चर्चा में नहीं था, हालांकि लोग आते थे लेकिन इन घाटियों में इन वादियों में ये घाटी ये केदारनाथ की बहुत ही प्रसिद्ध है। पहाड़ी बहुत ही प्यारी है और हम ऊपर की ओर चलते हैं। ऊपर की ओर चलते हुए हमें कई कठिनाइयों का परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जो कि जो रास्ते हैं बहुत ही कठिन हैं, छोटे रास्ते हैं, यहाँ पर डर भी लगता है। और यहाँ पर पहाड़ी का व्यू आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। गाइस बहुत ही प्यारा मंदिर है और केदारनाथ की इस पहाड़ी पर हमारे जो मित्र है वो एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है इनको। साथ ही हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। केदारनाथ की जो पहाड़ी है वो बहुत ही अत्यंत व्यू लायक है। तो गाइस ये है खो नागोरिया यानी कि जगतपुरा के अंदर बसा हुआ। गाइस कई लोग यहाँ पर भेड़ बकरियाँ चराने के लिए आते हैं, कई लोग यहाँ पर जंगली जानवरों का भी काफ़ी डर रहता है। गाइस जंगली जानवरों का काफ़ी डर रहता है जो कि फॉरेस्ट वन विभाग वालों ने यहाँ पर लगा रखा है। गाइस ऊपर की ओर चढ़ान में चढ़ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप जयपुर का व्यू बहुत ही प्यारा। और ऊपर की साइड में चढ़ते चढ़ते हाथ पैर दर्द करने लग गए हैं। गाइस ये जयपुर का व्यू देख सकते हैं आप कितना प्यारा है, पहाड़ियों से हरियालियों से कितना अच्छा व्यू। गाइस यार यहाँ से मंदिर का व्यू कितना प्यारा नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं मंदिर का व्यू और कितना छोटा मंदिर है भगवान केदारनाथ का। भोलेनाथ की सेवा पूजा करने के लिए काफी लोग यहाँ पर आते रहते हैं। आप नीचे से मंदिर से नीचे का व्यू आप देख सकते हैं कितनी हरियाली, कितना प्यारा नजारा जयपुर का हमें देखने को मिला। भाई कैलाश जी भी आए हुए हैं, केटी भाई, हर हर बोले हर हर बोले, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ का ये अद्भुत नजारा अपनी मूर्तियों का जो कि बहुत ही अत्यंत ही विशाल का है और अत्यंत सुंदर है। पीछे से मंदिर का ये व्यू बहुत ही प्यारा है, सूर्य भगवान यहाँ पर छाया दृष्टि में है, कितना प्यारा व्यू देखने को मिल रहा है। राजा महाराजाओं के शासनकाल से बना ये मंदिर बहुत ही पुराना आकर्षित मंदिर है, बहुत ही प्यारा है। लोग बाग यहाँ पर अपनी भक्ति में गूंजलीन है, ये हमारी टीम है। मंदिर का व्यू बहुत ही प्यारा शानदार आगे से।
कहा जाता है कि राजा महाराजाओं के टाइम का ये जो मंदिर है बहुत ही अत्यंत ही प्यारा है, लेकिन अब पूजनीय हो गया है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को दोस्तों में शेयर करें और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल राजस्थान गुरु व्लॉग।